So hi everyone, and as you all know that I am also a dropper. I cleared my NEET 2021 in my second attempt, not in my first attempt. And being a dropper, जो भी इस साल 2023 के भी droppers होंगे, जो या तो आप drop ले चुके हैं क्योंकि उनको already पता है उनके marks काफ़ी कम है and they are not going to get any government seats for MBBS, और else अभी maybe counseling होगी आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपको seats नहीं मिले and ultimately आपको drop ही लेना पड़ेगा if you are really very much serious for the MBBS. So जब हम drop लेते हैं तो there are thousands of questions जो हमारे दिमाग में आते हैं, and being a dropper मेरे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि कौन से ऐसे तरीके, कौन सी अप्रोच, क्या मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा इन माय ड्रॉप. टुडे आई एम हियर विद दिस वीडियो जहां पे मैं आपको पांच चीजें बताऊंगा जो बीइंग अ ड्रॉपर आपको अपने ड्रॉप ईयर में डेफिनेटली चेंज करनी चाहिए. नो मैटर आपने अपना प्रिपरेशन कितने अच्छे से किया था, नहीं किया था, इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर टेस्ट सीरीज टू गेन सम गुड मार्क्स एंड यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट मार्क्स, नो मैटर अभी भी आप ट्वेल्थ में ही हो एंड या तो जो ड्रॉपर्स हैं, उन दोनों टाइप के स्टूडेंट को ये वीडियो से बहुत हेल्पफुल होगा कि कौन से हमें नई चीज़ अपने प्रिपरेशन में चालू करनी चाहिए फ्रॉम 0 to 100 ताकि नेक्स्ट ईयर हमारा नीट में सिलेक्शन पक्का हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली पर्सुइंग माई MBBS फ्रॉम GMC वडोदरा अंडर द MS यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्लियर्ड माई नीट 21 विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 639 मार्क्स. फर्स्ट टॉपिक दैट ऑलमोस्ट ऑल ड्रॉपर यू नो फेसेस इज कि क्या हमें न्यू नोट्स बनाने चाहिए, अपने पुराने नोट्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड मेक अ फ्रेश नोट्स व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी ड्रॉप ईयर, बिकॉज एक तो आप पुराने नोट्स अगर जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू आर नीट 2023 फेल्ड एस्पिरेंट, तो अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे, अगर आप वही नोट्स के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू करने वाले हो तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू फॉर 10 मंथ्स, आप उसी नोट्स को पढ़ पढ़ के सैचुरेट हो जाओगे. सेकेंडली शायद वही नोट्स है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आई थिंक यू शुड मेक अ न्यू नोट्स जिसमें आपको नए तरीके से हर चीज़ लिखनी चाहिए, NCERT के पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, सारी शॉर्ट ट्रिक्स ऐड करनी चाहिए और नोट्स ऐसे बनाओ कि आप कंफर्टेबल रहो उसे रीड करने के लिए, रेदर देन टू इंप्रेस योर टीचर्स और योर कलीग्स कि मैंने ऐसे ऐसे नोट्स बनाए. तो यार डेफिनेटली यू शुड मेक अ फ्रेश नोट्स स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बिकॉज बायोलॉजी के पुराने नोट्स आप इसलिए रेफर कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली बायोलॉजी आपको NCERT समझ में आ जानी चाहिए. तो अगर आपने NCERT ओरिएंटेड एक रफ नोट्स बनाए हैं अपने पुराने ईयर में तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, बट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू नीड टू मेक अ फ्रेश नोट्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ड्रॉपर फेस करते हैं कि वेदर दे शुड ज्वाइन ऑफलाइन और एनी ऑनलाइन कोचिंग या बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ रहता हम बहुत चीजों पर अपने लाइफ में डाउट करते हैं. सबसे पहले क्या मैंने कोचिंग ज्वाइन कोई नहीं की इसलिए आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, काश मैं ऑनलाइन कर लेता तो मेरा टाइम बच जाता ट्रैवलिंग का एंड ऑल दैट. तो मेरे उस सारे ड्रॉपर्स के लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है, ये दो बहुत ही मेजर पॉइंट, अगर ये दोनों नहीं है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो. और थर्ड, वो अच्छी कोचिंग भी होनी चाहिए, कोई भी लोकल कोचिंग में अपने पैसे मत इन्वेस्ट करो. LN आकाश का कोई ब्रांच हो या कोई भी फेमस कोचिंग का ब्रांच हो जो आप जानते हो वहीं पे, ये तीनों फैक्टर हो तभी आप कोचिंग ज्वाइन करो, अदरवाइज ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आते हैं. मैंने खुद भी 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए अर्जुना बैच फ्रॉम फिजिक्स वाला एंड फॉर ऑल द ड्रॉपर्स फ्रेंड जो इस साल ड्रॉप लेने वाले उनके लिए मैंने यकीन 3.0 ऑलरेडी बता चुका हूं. तो अगर डिस्टेंस प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमारा, हर दिन का अगर एक घंटा ट्रैवलिंग में चला जाएगा तो उसमें हमारी टाइम के साथ एनर्जी दोनों जाती है. तो इंस्टेड आई विल एडवाइस कि आप कोई भी ऑनलाइन अच्छा कोर्स ले लो और थोड़ा और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ खुद को अपने आप को पुश और मोटिवेट करके आप खुद एक ऑनलाइन कोर्स के थ्रू अपना सिलेक्शन ले लीजिए. तो अगर ये तीनों रीजन आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो गो विद द ऑनलाइन कोर्स, नॉट एनी ऑफलाइन कोचिंग. और उसके लिए आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो हु क्लियर देयर नीट विद द ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो, हु क्लियर देयर नीट इवन विदाउट एनी ऑनलाइन कोर्स थ्रू यूट्यूब लेक्चर्स ओनली. सो देर आर नो एक्सेप्शन फॉर दिस एनी केस. लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट जो ड्रॉपर्स फेस करते हैं कि क्या उन्हें अपना स्टडी मटेरियल चेंज कर देना चाहिए या कोई कौन से स्टडी मटेरियल हमें स्टिक करना चाहिए. तो अगर अभी तक आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं था और अगर आप PW का कोई भी बैच ले चुके हो तब तो आपको PW की जो मॉड्यूल्स हैं जो मैं आपको आज अच्छे से बताने वाला हूँ वो आप जरूर लीजिए. इन केस आपने कोई और ऑनलाइन कोर्स लिया है, आपने मे भी कोई अच्छे LN आकाश में आप ऑलरेडी एडमिशन ले लिया हो, लेकिन उसके बाद भी आप अलग से PW की मॉड्यूल्स ले सकते हो. एंड आज मैं इनके मॉड्यूल्स के बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा, आपको याद आ जाएगा कि अलग सर के लेक्चर के जैसे इनकी मॉड्यूल भी है जो आपको 0 to 100 तक एक चीज आपको स्पून फीड करके देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट मेरे हाथ में फिजिक्स की मॉड्यूल है और इसके ऊपर एस्पायर लिखा हुआ है. एस्पायर मतलब सिर्फ क्लास 11th वालों के लिए मॉड्यूल बनी हुई है. फॉर एग्जांपल आपका यूनिट डायमेंशन का चैप्टर है तो अगेन फर्स्ट पेज पे इन्होंने पूरा एनालिसिस आपको इस चैप्टर का दे दिया कि पास्ट 10 ईयर्स में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन हर साल आए. सो लाइक एन आइडियल एनी फिजिक्स बुक दे फर्स्ट हैव एक्सप्लेन द थियरी इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर एज कम्पेयर टू अर NCERT. देन दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ सॉल्ट एग्जाम्पल जिसका नाम दिया इन्होंने ट्रेन और ब्रेन्स. एंड आई ऑलवेज से कि आफ्टर रीडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक यू मस्ट सॉल्व द सॉल्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. एंड आफ्टर लाइक दिस दे हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर एंड देन दे हैव गिवन ऑलमोस्ट 20 to 30 इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल जिसके साथ आप इसको परफेक्टली देख सकते हो कि सारे चैप्टर के साथ कैसे मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके बाद दे मूव टू द टॉपिक वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन जो इन्होंने अपने मॉड्यूल में दी गई है. आफ्टर टॉपिक वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन दे हैव गिवन द नीट पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इन सब की आंसर की के साथ आपको दी हुई है. तो इन केस अगर आपको PW की मॉड्यूल्स भी ऑर्डर करनी है तो यू कैन ऑर्डर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द PW मॉड्यूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर मॉड्यूल ऑफ यकीन बैच जो स्पेसिफिकली सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए
लिए बनी हुई है एंड ये आपको 3000 में मिल जाएगी। इट इज़ अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एंड इट इज़ अ सेट ऑफ 18 बुक्स ऑफ 11th एंड 12th कंबाइंड। देन आप मेरे हाथ में देख सकते हैं अराइज की मॉड्यूल है। अराइज इज़ फॉर क्लास 12th स्टूडेंट जिनको सिर्फ क्लास 12th की मॉड्यूल चाहिए एंड ये आपको 1899 में मिल जाएगा एंड इट इज़ अ सेट ऑफ 9 बुक्स। अगेन अगर आप एस्पायर देखें तो एस्पायर इज़ फॉर द क्लास 11 स्टूडेंट एंड अगेन ये भी आपको 1899 में मिल जाएगा एंड इट इज़ ऑल्सो सेट ऑफ 9 बुक्स। इन केस आपको 11, 12th या ड्रॉपर की बुक नहीं लेनी, सिर्फ क्रैश कोर्स वाली बुक लेनी है, सो दे ऑल्सो हैव अ स्प्रिंट फॉर द नीट क्रैश कोर्स विच इज अराउंड 1500 और इसमें भी अगेन आपको 9 बुक्स मिल जाएंगी कंबाइंड 11, 12th और आपका पूरा क्रैश कोर्स जैसा एक शॉर्ट नोट जैसी आपको बुक्स मिलेंगी। हियर कम द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐसा ड्रॉपर सबको कंफ्यूजन होती है एंड दैट इज द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन योर फेल्ड अटेम्प्ट एंड नाउ आपको अपने सक्सेसफुल अटेम्प्ट में ये चीजें नहीं करनी। सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट हैव द लेजीनेस इशू जिसमें मैं भी आता था कि पढ़ने का मन करता था, तरीके थोड़े बहुत नहीं पता थे लेकिन उसके साथ साथ एक लेजीनेस थी जो आ जाती थी, तो यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम दैट लेजीनेस। नाउ देयर माइट बी द स्टूडेंट हु माइट बी हैविंग एंग्जाइटी इशू जिनको स्ट्रेस बहुत होता है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते लेकिन टेस्ट देते समय या मेन नीट देखते समय उनके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। देयर माइट बी अ स्टूडेंट हु आर सो मच एंगेज इन सोशल मीडियाज नेटफ्लिक्स प्राइम इंस्टाग्राम कि उनका पढ़ाई पे से पूरा फोकस हट गया एंड दे नीड टू मेक देयर ऑन ट्रैक फॉर द स्टडीज। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के रीजंस है जो आपकी मिस्टेक्स हो सकते हैं आपके फेल्ड अटेम्प्ट में एंड आपको सबको कॉन्कर करते हुए अच्छे से अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से आना है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ नीट एस्पिरेंट जो सारे ड्रॉपर्स फेस कर रहे होंगे एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इवन आई पर्सनली फेस वॉज अ टेस्ट सीरीज। आपका फेल्ड अटेम्प्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आपने इनफ टेस्ट सीरीज नहीं दी। हम टेस्ट सीरीज क्यों नहीं देते? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड अ फियर कि हमारे कम मार्क्स आ जाएंगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हम डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। आई नो दैट दैट इज द ओनली रीजन कि हम टेस्ट नहीं देना चाहते, हम सिर्फ सोचते हैं कि हम सिर्फ प्रेपरेशन करते रहे हमारा काम होता जाएगा। नो, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट जोन। अपनी प्रेपरेशन इस बार इतनी स्ट्रॉन्ग रखो कि जितने भी टेस्ट सीरीज देने बैठो सब में अच्छे मार्क्स लाओगे। अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे दैट मीन्स टेस्ट सीरीज की में कमी नहीं, आपकी प्रेपरेशन में कमी है। प्रेपरेशन में कमी है तो अगर प्रेपरेशन अच्छी करके बैठोगे टेस्ट देने तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। सो दिस ईयर इन ऑर्डर टू मेक योर दिस ईयर सक्सेसफुल यू नीड टू गिव इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, जितनी दे सकते हो दो, जितने अपने फियर के साथ लड़ सकते हो। इफ यू फाइट विद दिस पर्टिकुलर फियर देन यू आर एबल टू कॉन्कर योर नीट अगेन वेरी इजली। सो दिस वॉज द 5 पॉइंट जो मुझे आपको डिस्कस करना था कि अगर आप ड्रॉप लेते समय ये 5 चीजों पर अटक रहे हो तो क्या क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।